SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली एक अच्छे सेक्युलर अपमूव में रहा है, बट पिछले 4 महीनों से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इस पर्टिकुलर काउंटर में। ओवरऑल अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जिसका बेस लगभग 105 के आसपास वेल एस्टेब्लिश्ड है। जहां पर इसके वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग कभी दी नहीं है। एंड प्लस अगर इसका वीकली आरएसआई देखें तो उसने काफी अच्छा क्लासिकल रिबाउंड दिया था 54 लेवल्स के आसपास। डेली चार्ट पे अगर देखें तो पिछले 2 दिनों से एक माइल्ड सा मोमेंटम है, बट जिस तरीके से इसका ADX 30 के ऊपर आ चुका है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी। जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ मुझे लग रहा है कि लगभग 1 से 1.5 महीने में ही हासिल होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन है इसके कॉन्ट्रैक्शन के काफी मच्योर स्टेजेस पे है ब्रेकआउट के। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 105 के आसपास। ये स्टॉप लॉस भी आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड जो पैटर्न के लिहाज से है वो लगभग अराउंड 145 के आसपास है। सो लगभग 30% की अपसाइड में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 105 के आसपास एंड अक्यूमुलेट करना चाहिए SCI। खरीद के रखिए, मिनिमम आपको 1 महीने के लिए ये पर्टिकुलर काउंटर अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। किया स्टार्ट सीमेंट, मुझे याद है 2-2.5 साल पहले एक एंकर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग वो जब भी पूछते थे सीमेंट स्टॉक के लिए तो पहले ही बोल देते थे कि स्टार्ट सीमेंट के अलावा और कोई स्टॉक बताइएगा। तो वैसा ही ये स्टार्ट सीमेंट स्टॉक है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे। लॉन्ग टर्म के तौर पर मैंने इसको इनफैक्ट लास्ट ईयर भी स्टॉक को रेकमेंड किया था 70-80 के लेवल्स पे। जेन्स आपके जेन्स भी शायद 90 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया है, और अभी भी ये जो 110-12 के जो लेवल्स है, 15 के जो लेवल्स है, बहुत सस्ते लगते हैं इस कंपनी के लिए। थोड़े से कुछ इश्यूज थे, एक पर्टिकुलरली एक लाइबिलिटी थी जो कि कंपनी ने 67 करोड़ का कुछ था लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में दिखाया, फिर मार्च में भी कुछ वहां पे बंगाल में इलेक्शंस थे उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ चल रहा था। और अब इनका जो नया प्लांट आया है जलपाई सिलीगुड़ी में, और ओवरऑल देखिए एक जीरो डेट कंपनी और 10 मेट्रिक टन की कैपेसिटी वाली, मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे। और मुझे लगता है कि अभी भी इस स्टॉक में बिल्कुल भी डाउनसाइड रिस्क नहीं लगती है। अगर खोने को भी है तो 8-10% मिड कैप स्मॉल कैप में अगर खो भी देते तो देखिए उतना तो आपको लेके चलना पड़ता है, बट ये स्टॉक आराम से 150 के लेवल्स आने वाले दिनों में क्रॉस करेगा। हालांकि मैंने टारगेट दिया 140 का, 150-200 के लेवल्स मुझे दिखते हैं। पिछले 7 साल में प्रॉफिट की कहकर 80% की रही है कंपनी की, सेल्स बहुत बढ़िया, प्रॉफिट मार्जिन 14-15% के लगभग, और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मार्च में दिया इन्होंने, 85 करोड़ का पैट। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और 140 से 150 का टारगेट इमीडिएट 3 से 6 महीने की अवधि के लिए।